हीरोइंस। क्या तस्वीर आती है आपके जहन में जब ये शब्द सुनते हैं? स्ट्रॉन्ग, डिटर्मिंड, इंस्पायरिंग ट्रेल ब्लेजर्स, स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर अपने लिए नई राह बनाने वाली। क्या ऐसी हस्तियों को आप नहीं कहेंगे असली हीरोइंस? हर जिंदगी के साथ आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही कहानियां और रूबरू होते हैं ऐसे वुमेन लेजेंड्स से जिन्हें सच में आप हीरोइंस का खिताब देना चाहेंगे। बड़े पर्दे की हीरोइन है, 30s और 40s की सुपरस्टार, मीट हंटरवाली, द फियरलेस नाडिया, जान को हथेली पर रखने वाली, पूरे इंडिया को इंस्पायर करने वाली, somebody who changed the way women were looked at in the Indian film industry. सुनहरे बाल, नीली आंखें, दमकता चेहरा और जिंदा दिल एटीट्यूड, हाथ में चाबुक और होठों पर मुस्कान, she was India's original stunt queen. उस जमाने में जहां ना तो स्पेशल इफेक्ट्स थे, ना ही हार्नेसेस, सेफ्टी नेट्स और बॉडी डबल्स, तो भूल जाइए, नाडिया अपने सारे स्टंट्स खुद किया करती थी। और स्टंट्स भी कैसे, विलन से फिस्ट फाइट हो या फिर बब्बर शेर को गले लगाना। इनफैक्ट फिल्म हिस्टोरियंस तो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक जो भी स्टंट्स किया करते हैं वो सब नाडिया से ही इंस्पायर है। अब देखिए ना, चलती हुई ट्रेन के ऊपर गुंडों से भिड़ जाना, ये पहली बार नाडिया ने ही तो किया था। ऊंची ऊंची छलांगे लगाना, शैंडिलियर से लटक जाना या फिर घुड़सवारी के स्टंट्स, और ये सब ऐसे एरा में जब मेल डोमिनेंस वॉज एट इट्स पीक, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं असल जिंदगी में भी। ऐसे में पैंट सूट पहने या फिर बूट्स, शॉर्ट्स और रोब लगाए एक हिंदी बोलने वाली फिरंगी हीरोइन को देखकर पब्लिक तो एकदम चौंक गई थी। लेडी रॉबिनहुड के तर्ज पर लिखे गए किरदार निभाए नाडिया ने और वो बन गई एक सेंसेशन, अ फोर्स टू बी रेकन विद, एक मिसाल आने वाली जनरेशंस के लिए भी। मैरी माय, ऑब्वियसली नोन एज नाडिया, फियरलेस हंटरवाली, वाज वन ऑफ माय closest family members. She's my great aunt. She would always give me this one beautiful anecdote that she would say. She'll say, I'll try anything once, Shiamak, be fearless. That was her motto, that she'd try anything once, jumping off onto trains or do things, acting in films, dancing, she'll try, and she was fearless. She was really fearless in real life. So, but what I loved about the fact that one memory of hers always, it'll stay in my mind, that she always said, you know what, Shiamak, You're my favorite. पर नाडिया की कहानी भारत से कई मील दूर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में शुरू होती है। 8 जनवरी 1910 को she was born as Mary Ann Evans. अब कहां ऑस्ट्रेलिया और कहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, पर इसे किस्मत का खेल ही समझिए। मैरी के पिता हर्बर्ट इवांस ब्रिटिश एम्पायर में एक वॉलंटरी सोल्जर की तरह काम करते थे और वर्ल्ड वॉर के चलते उनका ट्रांसफर हुआ इंडिया। अब 4 साल की मैरी अपने माँ बाप के साथ पहुंच गई बॉम्बे और 20 साल की होते होते तक उनको घुड़सवारी, थिएटर, डांस और सिनेमा का चस्का चढ़ चुका था। डांस की ट्रेनिंग भी साथ साथ शुरू हो गई और वो सर्कस में काम करने लगी। इसी बीच एक आर्मेनियन फॉर्चून टेलर की एडवाइस पर मैरी ने अपना नाम बदल कर मोर एग्जॉटिक नाडिया रख लिया। अब नाम के बदलते ही जैसे उनकी किस्मत भी बदल गई। मूवी प्रोड्यूसर जमशेद वाडिया की नजर उन पर पड़ी और 1935 में उन्होंने नाडिया को दिया उनका ऑन स्क्रीन अवतार हंटरवाली, और इसी के साथ इंडिया की पहली फीमेल एक्शन स्टार का जन्म हुआ। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। वाडिया ब्रदर्स ने नाडिया के साथ मिलकर कई और फिल्में बनाई, पहाड़ी कन्या, मिस फ्रंटियर मेल, डायमंड क्वीन, पंजाब मेल, और इन फिल्मों में नाडिया ने और कई स्टंट्स दिखाए और अपनी एक्सेंटेड हिंदी और बेबाक एटीट्यूड से पब्लिक का दिल जीत लिया। नाडिया बिकेम अ ब्रांड, उनके नाम से बेल्ट, माचिस, ताश, ये सब बिकने लगे।
अपने 35 साल के करियर में नाडिया ने 50 से ज्यादा फिल्में की और उनके अनकन्वेंशनल स्क्रीन पर्सोना ने बॉलीवुड की हीरोइंस को रीडिफाइन कर दिया और यही उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है। ऐसे एरा में जहां बॉलीवुड की हीरोइंस सिर्फ अबला, कमजोर या कमसिन दिखाई जाती थी, वहीं नाडिया थी स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और फियरलेस। और नाडिया वो बन पाई जो आज की एक्ट्रेसेस के लिए भी बनना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, फिल्म का हीरो। In a day where man was always supreme, she came out in those days as a woman who was supreme and ruling and fighting and, you know, being a star. A very big statement for someone like that. Fearless, literally fearless. 58 साल की उम्र तक नाडिया फिल्में करती रहीं। 1961 में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम डायरेक्टर और फ्रेंड होमी वाडिया से शादी कर ली। उनके जन्म के 111 साल बाद भी उनकी फैमिली उन्हें याद करती है और उनसे इंस्पायर्ड रहती है। I've been a mini studio of Marry Mai and Fearless Nadia, as you call her. She is one of the reasons I am here today where I am. Strong woman. That's why I loved her. Very strong woman. She was extremely happy-go-lucky. She was jovial. She loved her whiskey. She was crazy about horses. No negativity to speak about anybody. She was one of my favorite people. She, in fact, encouraged me to go abroad and dance and do what I have to do. Marry Mai always taught me to be fearless. The word fearless, Nadia, really means something to me because she was unbelievably fearless and only loving and joyful. Sara zamana ek taraf, सब मुश्किलें और अड़चने एक तरफ और एक वुमन की विल पावर एक तरफ। देखने में ये छोटी सी बात लगे लेकिन आज भी जब आप दीपिका या कटरीना, कंगना या प्रियंका को एक्शन करते हुए देखें तो याद रखिए दैट इट ऑल स्टार्टेड विद वन वुमन एंड हर विप। फियरलेस नाडिया नाम ही काफी है।